प्रदेश जनपद मैनपुरी पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान लाखों रुपए की अवैध शराब जब्त की है। जानकारी के अनुसार गैर प्रांत की अवैध शराब एक टाटा टैंकर में लोड होकर तस्करी के लिए जा रही थी। पुलिस द्वारा चेकिंग की गई तो टैंकर में भारी मात्रा में शराब बरामद की गई, जिसको पुलिस ने तस्कर से कब्जे में ले लिया। पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पकड़ी गई शराब की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक टैंकर को जैथरा मोड़ जीटी रोड पर रोक कर चेकिंग की तो उसमें क्रेजी रोमियो मार्का देसी शराब जो अरुणाचल प्रदेश से लाई गई थी बरामद किया गया है। घना कोहरा होने के कारण टैंकर में सवार एक तस्कर भाग जाने में सफल हो गया। वहीं पुलिस ने भाग रहे दूसरे तस्कर ललित निवासी नालागढ़ थाना यमुनानगर हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए युवक ने बताया कि उसके साथ विशाल निवासी उत्तम नगर जिला सहारनपुर उसके साथी है। मिली थी कि एक कैंटर गाड़ी है, उसमें हरियाणा मार्केट की शराब जा रही है। इस सूचना पर गाड़ी पीछा किया गया था, देखा गया कि उसकी गाड़ी के आगे एक सुधार गाड़ी चल रही थी जो उसको पायलट कर रही थी, और जब गाड़ी रोका गया तो उसमें से एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, बाकी लोग कूद के भाग गए हैं। और जब कैंटर खोला गया तो उसमें 300 पेटी शराब, देसी शराब बरामद हुई है। ये करीब 14 लाख इसकी कीमत बताई जा रही है। ये रोमियो मार्का की शराब थी और ये अरुणाचल प्रदेश का लिखा हुआ उसमें कि बताया गया कि हरियाणा से लोड हुई थी और इसको यहीं मैनपुरी में खपना था कहीं पर। और ये दो लोग फरार हो गए हैं और गाड़ी में 3 आदमी और थे जो रास्ता दिखा रहे थे, उनकी हम तलाश कर रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण उपलब्धि कुरारी पुलिस को कल रात में मिली है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।